ओम शांति। 17 अप्रैल 2022 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज तारीख 25 मार्च 1990। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस की विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता का नंबरवार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होंगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष ये चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता श्री ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता है, लेकिन सदा ब्रह्माचारी और सदा ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्माचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन वाणी कर्म के कदम में ब्रह्माचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्माचारी है, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्माचारी अर्थात आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते, साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं, हमें यह चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथक सेवा का, स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा और कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेजोरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं। बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं, इसलिए हलचल क्यों होती है? यह होता तो ऐसे नहीं होता, यह होगा तो ऐसे नहीं, यह होगा तो ऐसे होगा, यह बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है, इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप के ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते। और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। समझा?
अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है, पहले भी सुनाया है। कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं, याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं होती। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुणों को बढ़ता जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा, ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना, कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना, इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है उनके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है, हर घड़ी में हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला का अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती, हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होंगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेज पुल बन गए हो तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वाले को 20 गुना हो रहा है, तो कहने में ऐसे आता है लेकिन है तो अनेक गुना। अब इस वर्ष में क्या करेंगे, उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है, बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, चौथा है यज्ञ सेवा। जहाँ भी हो, जिस सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है, तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा, तन मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो समर्पण है, धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वो इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है, यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कना मुहर के समान है, अगर यज्ञ की दिल से दिखावे से नहीं इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मुहरें इकट्ठे होती रहती है। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है, इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है, तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी वाचा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होंगी, मनसा और वाचा इकट्ठा सेवा को हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है, इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता है लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है, और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। तो देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना, भले आगे जाओ बाप दादा खुश होते हैं लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते, कर्मणा अर्थात संगठन में, संपर्क में, संबंध में आना, यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खातों में बहुत फर्क है और वे खुश होते रहते कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे है। खुश भले रहो लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा बच्चों के स्नेह है ना, फिर ऐसा उलन्ना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि यह भी होता है। उस समय बाप दादा यह पॉइंट्स याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा, इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो
लेकिन यह तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा का तरप भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना हो, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, यह नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्माचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खाते को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति को दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा सो उन्नति प्रति स्वयं को नंबर वन आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की ओर से विशेष बाप की भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। मधुबन निवासियों से, मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते उन्हें बाप दादा बड़े से बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है और वह बल सेवा कर रहा है और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज़्यादा मुरलियाँ कौन सुनता है? मधुबन वाले, वो तो गिनती से मुरलियाँ सुनते हैं और आप सदा ही मुरलियाँ सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर वन हो और करने में भी नंबर हो या कभी टू हो जाता है। जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है, तो बाप दादा को भी विशेष हुज्जत है। करना ही है और नंबर वन करना है, किसी में भी नंबर पीछे नहीं। सब जमा के खाते नंबर वन फूल होने चाहिए, एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियों, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर वन मिलती है, ऐसे अब करने में सदा नंबर वन की निशानी है। हर बात में विन करना, अगर विन विजय है तो वन जरूर है, विन कभी कभी है तो नंबर वन नहीं। अच्छा, सेवा की मुबारक, सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं, और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद को, दूसरा प्रभु पसंद और तीसरा परिवार पसंद हो, यह तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट को दिल पसंद का दूसरे ना हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया, यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल पसंद वह मेरी दिल पसंद, इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो यह तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है, बड़ों से वेरीफाई भी करना पड़े। बाप तो जल्दी राजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सबको राजी करना है, तो जो साथ रहते उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। बाप तो ज़्यादा रहमदिल है ना, तो हाजी भी कर देंगे। अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन सर्टिफिकेट की वेरीफाई करना। अच्छा, भारतवासियों से ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया है। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई, सुख शांति शक्ति खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया, बालक सो मालिक हो ना। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं, बाप भी खुश होते हैं।
5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10-12 वर्ष खोया हुआ फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और यह 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल गए, इसलिए बहुत खुशी है ना। सबसे ज़्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि यह खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो कितने भी लेवे जितने भी लेवे अखूट है। इसीलिए हर एक अधिकारी आत्मा है, ऐसे है ना। संगम युग कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं, जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव का सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है, सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ है, यह खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती, माया चोरी तो नहीं करती खजानों की। जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता, जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना लूट लेते हैं। तो आप तो सावधान हो ना, या कभी कभी सो जाते हो? कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है, अलबेले हो गए। सदा होशियार सदा जागती जोती रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट कर ले जाए। अच्छा, जहाँ से भी आए हो सब पद्मा पद्म भाग्यवान हो, यही गीत गाते रहो। सब कुछ मिल गया 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता, तो यह गारंटी कार्ड ले लिया है ना। यह गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाला नहीं है, दाता है, इसलिए कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा, वरदान फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भवो। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दे। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जब बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वह सफलता है ही, इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए हुए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू।